इधर निर्मला जी अब अपनी तूफान स्टार्ट कर चुकी हैं और विशाल जी भाई लपेटे पे लपेटे जा रहे पूरा का पूरा चैलेंज, जैसा कि मुंह खोलने से रह जाते थे और आज मुंह खोल के दिखलाएंगे। और आज जी भाई निर्मला जी एक बहुत बड़े चैलेंज में उतरी हैं, कूलर जीतने के लिए आई हैं। तो क्या लगता है निर्मला जी, जीत पाओगे कूलर? मैं जीत के जाऊंगी। आप किस भाव में? कूलर तो मैं ले जाऊंगी, जिधर से वही पहुँचा दूंगी। भाई ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट लड़िए मत, जो चैलेंजर पहले मुंह खोल के दिखलाएगा वही ले जाएगा। तो आपको क्या लगता है विशाल जी? इस बार कूलर मैं लेके जाऊंगा और पहले मुंह खोल के मैं दिखाऊंगा। बिल्कुल विशाल जी, आप सिर्फ मुंह खोलने से रह जाते हो, तो आज पहले खोल पाओगे? पूरा खोलूंगा, पक्का पहले मुंह खोलूंगा, देखना भाई साहब। और इधर क्या लगता है आपको? चलो देखते हैं। अरे देख लेंगे भाई, चलो देख लेंगे। ठीक है, चैलेंजर रेडी है तीनों? बिल्कुल रेडी भाई, स्टार्ट करें। चलो वन स्टार्ट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तूफान। तीनों के तीनों चैलेंजर ने अपनी अपनी रफ्तार पकड़ लिया। इधर संतोष जी की बात करें तो पूरा का पूरा केला और अंगूर मसल के और निगलने के लिए रेडी हैं। इधर निर्मला जी अपनी तूफान स्टार्ट कर चुकी हैं और विशाल जी भाई लपेटे पे लपेटे जा रहे पूरा का पूरा चैलेंज, जैसा कि मुंह खोलने से रह जाते थे और आज मुंह खोल के दिखलाएंगे। और आज जी भाई निर्मला जी एक बहुत बड़े चैलेंज में उतरी हैं, कूलर जीतने के लिए आई हैं। तीनों के तीनों खतरनाक योद्धा अपनी अपनी रफ्तार पकड़ चुके हैं और तीनों की बात करें तो कुछ पता नहीं चल रहा कौन आगे कौन पीछे है, क्योंकि किसी ने मसल दिया, किसी ने एक एक करके खा रहे हैं। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छी रफ्तार, बहुत अच्छी कोशिश। और विशाल जी ने भाई सोहा पूरा मशीन चालू कर दिया अपना। और इधर बात करें तो ये मसलने वाली चैलेंजर माना जाता है इनको, और ये मसल के खा रही हैं। और निर्मला जी की बात ही अलग है भाई साहब, ये पानी वाली चैलेंजर मानी जाती है। और आज देखते देखिए कैसे खा रहे हैं पपीते को। पपीते को ऑडियंस ऐसे कौन खाता है जो पूरा का पूरा निचोड़ दे। और यहाँ बात करें, अंगूर पे आ चुके हैं विशाल जी। और यहाँ बात करें तो ये एक साथ खा रही है, दो तीन को एक साथ मसल दिया है निर्मला जी। भाई एकदम से धुआं धुआं कर रही है, पूरा का पूरा चैलेंज ढेर कर दिया। एक मिनट 9 सेकंड के अंदर विशाल जी केले पे पहुंच चुके हैं। और बात करें तीनों चैलेंजर की, तो तीनों में पता नहीं चल रहा कौन आगे कौन पीछे है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रफ्तार तीनों चैलेंजर की भाई। और इधर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है ये बीच वाली चैलेंजर। और इधर भी, और इधर मुंह खोल पे बहुत बढ़िया भाई, इधर जीत चुके हैं निर्मला जी। निर्मला जी आपकी सफाई अच्छे से है? अच्छे से। और सफाई करिए अच्छे से भाई साहब, इन्होंने अपना होश खो दिया है, ऐसा चैलेंज दिखाया। और इधर विशाल जी ने भी पूरा समेट दिया, मुंह खोल चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया विशाल जी, आप हार चुके हो, आप बहुत पहले इन्होंने मुंह खोल चुकी हैं। भाई एक मिनट देख लो भाई, मेरी सफाई भाई आएगी नहीं, पहले बार देख लो भाई। जो केला है ये देखो, केला है भाई, ये थोड़ा सा केला रह गया यहाँ पे। ये भाई ये बात नहीं, इधर देख लो भाई, पूरी सफाई है भाई, मुंह खोल के दिखलाई है। ये अंगूर बचा हुआ है इसके में भी, ये इनके में भी केला बचा हुआ। और इधर तो पूरा का पूरा लड़खड़ा चुकी है भाई। ऑडियंस आपके हाथ में है, ये फैसला आप किसको जीत दे। बिल्कुल क्या बात होती है, बिल्कुल विशाल जी आपके में, जैसा कि आपने क्लेम किया और उतना क्लेम आपके में भी बचा हुआ है और इनके में भी उतना ही बचा हुआ है। और बात करें मुंह खोलने की, तो मुंह खोल के दिखला चुकी है निर्मला जी भाई, और आज फिर से जीत चुके हैं निर्मला जी को। निर्मला नहीं नहीं जितना मुंह बहुत पहले खोल के दिखला चुकी है विशाल जी। कमेंट करके बताना इस बार मैं जीता हूँ कि नहीं भाई, दोनों बराबर था पूरा। एक भाई बिल्कुल होगा, देखिए बात है रहने की। क्या कह रहे हैं? मुंह खोल के बताई हूँ, मैं खा गई हूँ भाई। आप एक ही मिनट में कैसे इतना सारा खा सकते हो? उसको पूरा निकल गए सारा का सारा। ऑडियंस आपके हाथ में फैसला जाता है, इन दोनों खतरनाक योद्धा में से कौन असली विजेता है। क्योंकि जो है निर्मला जी के ऊपर क्लेम इन्होंने किया, मगर जो है खुद के थाली में कुछ अंगूर और कुछ केले बचे हुए थे। मगर बात करें तो इन्होंने 2 बार मुंह खोल के दिखलाया, 3 बार। और आप कूलर जीत चुके हो, तो तीनों चैलेंजर हाथ धो के आइए। तो क्या ऐसा लग रहा है जीत के इनाम? मुझे जीत के बहुत अच्छा लग रहा है भैया, हर वीडियो में आऊंगी, जीत के जाऊंगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भैया को चैलेंज के आगे बढ़ाओ भाई साहब। इन्होंने चैलेंजर है तो मेरे साथ खा के दिखाओ। मुझे नहीं लगता कोई चैलेंजर आपसे भिड़ पाएगा, क्योंकि आपने इतने हार्ड हार्ड चैलेंज को ढेर कर दिया। 1 से 1.5 मिनट के अंदर धुआं उड़ा देते हो। आपको तो मुझे लग रहा है कुछ भी दे दे वो भी समाप्त कर दोगे भाई। और इधर क्या लगता है संतोषी जी, आप कैसे लड़खड़ा गए? पता नहीं मुझे क्या, कई दिनों से हारते जा रही, पता नहीं किसकी नजर लगी है, पता नहीं। आप हार ही नहीं रहे हो, आप बुरी तरह हार रहे हो, क्योंकि निर्मला जी जो है पूरा फिनिश कर देती है और तभी भी आपके थाली में आधा बचा हुआ रहता है। और विशाल जी आप तो मुंह खोलने से कह रहे थे भाई, पहले खोल दूंगा। मेरे में से भी एक कह रहा था कि केला थोड़ा एक अंगूर था बस ये। तो आपने मुंह पहले क्यों नहीं खोला? तो मुंह तो मैंने पहले खोल दिया, एक केला रह चुका था बस ये। नहीं खोला आपने, क्योंकि इन्होंने पहले मुंह खोल दिया भाई। इनके थाली में भी था केला, इनके थाली में भी था। एक बार मुंह खोल के दिखा दी हूँ, ये अंगूर छुपा हुआ था केला के छिलके के पास। भाई बिल्कुल सही कह रही है, और मैं वो भी खा गए। सो गाइस कमेंट करके बताना आप ये सही कह रही है कि नहीं। गाइस मैं सही बोल रही हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं जीती हूँ कि नहीं भाई। बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया, तीनों चैलेंजर की बात करें तो तीनों की स्पीड जो थी नेक्स्ट लेवल की थी भाई, एकदम से धुआं उड़ा दिया। अंगूर जो था उसको चबाया क्यों नहीं आपने? कहा गल गई, ये चबा रहे थे तो ये हार गए।
भाई ये क्या बात होती है भाई, आप चबाने पे ध्यान दे रहे हो, ये निकलने पे ध्यान दे रहे हो। नहीं तो आप चबाओ, आपकी मर्जी, मैं निकलूं चाहे कुछ। अरे भाई चीटिंग कर रही है यार ये। चलिए आप कूलर उठाइए, निर्मला जी आपको आपकी तरफ फैसला कर दिया है मैंने, मैंने आपको कूलर दिया है, बाकी ऑडियंस पे छोड़ते हैं। ऑडियंस आप विशाल जी को जीत देना चाहते हैं तो वी लिख के सपोर्ट करिए, और निर्मला जी को जीत देना चाहते हैं तो एन लिख के सपोर्ट करिए। बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मजेदार चैलेंज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, बाय बाय।